हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं ऑर्थोडोंटिक्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं और नीट एमडीएस में पूछे जाते हैं तो लेट स्टार्ट सबसे पहले बात करते हैं स्कैमन्स ग्रोथ कर्व की वेरी फ्रिक्वेंटली आस्ट ओके तो क्या है स्कैमन्स कर्व सबसे पहले जानते हैं तो स्कैमस कर्व जो होता है उसको क्लासिफाई किया गया है बॉडी टिश्यू इनटू फोर टाइप्स फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है एंड ईच टिश्यू ग्रो एट डिफरेंट टाइम्स एंड रेट सारे टिश्यूज़ जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ग्रो हो रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट रेट से ग्रो होते हैं तो वो क्या है चार फर्स्ट इज़ लिम्फॉइड टिश्यू देन न्यूरल टिश्यू देन जनरल एंड विसरल टिश्यू दैट इज मसल्स एंड बोन्स देन जेनाइटल टिश्यू अब जैसा कि हम जानते हैं दिस इज योर स्कैम ग्रोथ कर्व तो ये एक कर्व है तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है कर्व में तो जान लेते हैं वन बाय वन वी विल डिस्कस सबसे बात करते हैं पहले लिम्फॉइड टिश्यू की तो लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो प्रोलिफ्रेट होता है रैपिडली इन दी लेट चाइल्डहुड रिचेज टू हंड्रेड परसेंट एडल्ट साइज मतलब आप ये देख रहे होंगे सबसे पहले ये जो लिफॉइड टिश्यू है ये ग्रो हुआ है 200 हंड्रेड परसेंट एंड इट प्रोलिफ्रेट रैपिडली इन द लेट चाइल्डहुड एंड रिचेज टू हंड्रेड परसेंट मतलब ये टू हंड्रेड परसेंट ग्रोथ हुआ है एंड दिस इज़ एन एडेप्टन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम इन्फेक्शन ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सबसे पहले इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है टू हंड्रेड एंड देन उसके बाद ये रिग्रेशन हो रहा है नीचे तो ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज क्योंकि ये एक अडेप्टेसन है इन्फेक्शन से बच्चे को बचने के लिए अडेप्टशन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम इन्फेक्शन ओके देन बाई दी एज ऑफ एटीन ईयर्स तक लिम्फॉइड टिश्यू अंडर गो इन्वोल्यूशन टू रिच एडल्ट साइज आप देख रहे हैं लिम्फॉयड टिशू टू हंड्रेड तक गया देन आफ्टर दैट ये हंड्रेड तक आके रुक गया मतलब रिग्रेशन हुआ इसका ताकि टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन ओके अब आगे देखते हैं न्यूरल टिश्यू की बात करते हैं तो न्यूरल टिश्यू ग्रोज वेरी रैपिडली एंड रिच इज मैक्सिमम साइज बाय सिक्स टू सेवन इयर्स ऑफ एज अब देख लेते हैं न्यूरल टिश्यू का तो न्यूरल टिश्यूज सिक्स टू सेवन इयर्स तक तो एकदम तेजी से ग्रो हो रहा है यहाँ देख सकते हैं सिक्स टू सेवन इयर्स तक तेजी से ग्रो हो रहा है देन उसके बाद उसका लिटिल ग्रोथ होता है सिक्स टू सेवन इयर्स के बाद उसका एकदम कॉन्स्टेंट ग्रो होता है तो ये था न्यूरल टिश्यू एंड वेरी लिटिल ग्रो ऑफ न्यूरल टिश्यू अकर आफ्टर सिक्स टू सेवन इयर्स जैसे हमने डिस्कस किया उसके बाद बात करते हैं जनरल और विसरल टिश्यूज़ की तो जनरल और विसरल टिश्यूज़ जो होते हैं वो एस शेप्ड कर्व को कैरी करते हैं कैसे हम देखते हैं फिगर में सो दिस इज़ योर एस शेप कर्व आप देख रहे हैं यहाँ पे अब देखते हैं ये कैसे ग्रो हो रहा है पहले तो रैपिड ग्रोथ अप टू 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 थ्री इयर्स फॉलोड बाय स्लो फेज ऑफ ग्रोथ पहले टू टू थ्री इयर्स यहाँ तक टू टू थ्री ईयर्स तक तो ये रैपिडली ग्रोथ होगा एकदम तेजी से उसके बाद इसका ग्रोथ स्लो हो जाएगा देखते हैं थ्री टू टेन ईयर्स तक इसका ग्रो स्लो हो जाएगा यहाँ थ्री टू टेन ईयर्स तक स्लो ग्रो हो जाएगा उसके बाद आफ्टर टेन ईयर्स रैपिड फेज ऑफ ग्रोथ अकर टर्मिनेटिंग बाय एटीन टू ट्वेंटी ईयर्स उसके बाद देखिए यहाँ से एटीन टू ट्वेंटी के बाद मतलब ट्वेंटी तक ये स्पीड में ग्रोथ होगा तो दिस मेक्स एस शेप कर तो ये था जनरल और विसरल टिश्यू का ग्रोथ अब बात करते हैं जेनाइटल टिश्यू की तो जेनाइटल टिश्यू पहले तो शो नो नेग्लिजिबल ग्रोथ अंटिल प्यूबर्टी उसके बाद ग्रोथ रैपिडली एट प्यूबर्टल एज एंड रिचेज एडल्ट साइज आफ्टर विच ग्रोथ सीजेस देखते हैं डायग्राम में तो सबसे पहले तो ये नेग्लिजिबल ग्रोथ कर रहा है जेनाइटल एकदम नेग्लिजिबल ग्रोथ कर रहा है अंटिल प्यूबर्टी तक टेन टू ट्वेल्व फोर्टीन ईयर्स तक तो ये यहाँ तक नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है उसके बाद सडनली इसका ग्रोथ बढ़ता है सो ग्रोज रैपिडली एट प्यूबर्टी प्यूबर्टल एज उसके बाद रिचेज एडल्ट साइज एंड देन उसके बाद ये यहाँ पे आके सीज़ हो जाता है तो 18 टू 20 तक 20 इयर्स तक ही सीज हो जाएगा तो गाइज ये था आपका ग्रोथ एंड कर्व स्कैमन्स ग्रोथ कर्व तो इसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आई होप आपको समझ में आ गया होगा सो गाइज फॉर मोर वीडियोज़ यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट न्यू वीडियोज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक ओके गाइज Thank you.